नमस्कार, स्वागत है आपका खबरदार टॉप 10 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुफ्त राशन बिजली, यूसीसी का वादा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने नई सरकार के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है। छोटे भाई के चलते नहीं मिली आरजेडी की टिकट, मंच पर फक कर रो पड़े पूर्व सांसद लालू तेजस्वी को खूब सुनाया। राजद के पूर्व सांसद सरफराज आलम को इस बार टिकट नहीं मिली है। देवभूमि के राजनीतिक समर में जैसी जमीन वैसा सितारा, स्टार वार में दिख रही सोशल इंजीनियरिंग। लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबले में रहने वाले भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों ने भी इसी हिसाब में अपनी रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव के लिए नई चुनौती, मुरादाबाद सीट पर फिर छिड़ा घमासान। सपा सांसद एसटी हसन ने कर दिया बड़ा ऐलान। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर एनसीपी शरद पवार गुट का भाजपा पर हमला, कहा लोग आपको संविधान बदलने की अनुमति नहीं देंगे। हाथी की धीमी चाल को रफ्तार देंगी मायावती, यूपी के इस जिले से चुनावी रैली की शुरुआत करेंगी बीएसपी सुप्रीमो। कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के कर्ज करेंगे माफ, राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप। टीवी डिबेट में अपनी अपनी बात रख रहे थे पार्टी प्रवक्ता, तभी भिड़ गए कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता, एक दूसरे पर फेंकी कुर्सियां। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 28,847 मतदाता 16 से 20 अप्रैल तक घर बैठ कर सकेंगे मतदान। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। बठिंडा सीट से राजा वंडिंग हटे, जीत मोहिंदर सीट को टिकट मिलनी तय, सिद्धू मूसेवाला के जा सकते हैं घर। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।